अच्छा, अब हम तंजौर विलेज के श्रीपुरम गांव में शक्ति का अध्ययन करते हैं। शक्ति के अध्ययन में क्या है, आपको यकीन नहीं होगा, ये एक गांव है, यहाँ पर जाति भी है, वर्ग भी है, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ें बदल रही हैं उसके हिसाब से अब इंसान का अगर स्टेटस देखा जाए तो हाई किसका स्टेटस है, यानी कि परिस्थिति किसकी उच्च है, जिसका शक्ति संरचना में स्थान ऊँचा है, समझ लो पावर स्ट्रक्चर में जिसका प्लेस अपर है वो ज़्यादा सम्मान का पात्र है, भले ही वो किसी जाति का हो, भले ही वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो। ये बेते ने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। ये बेते के समय में उन्होंने अपनी स्टडी की और उस समय में आपको इतना बड़ा चेंज एक गांव में देखने को मिल रहा है ना। तो अब हम देखते हैं कि शक्ति क्या है। शक्ति का मतलब है कि जब आप गांव में अगर सबकी सहमति नहीं है, लोगों के विरोध के बावजूद भी आप अपनी इच्छा को पूरा कर पा रहे हो, तो मतलब क्या, आप शक्तिशाली हो। और गांव में ऐसी शक्तियां किसको मिली, देखो अगर बेते की बात करें तो बेते कहते हैं आपके पास अथॉरिटेटिव पावर भी हो, मतलब आपके पास वैधानिक शक्ति भी हो, जिसको मतलब पुलिस भी आपको नहीं कर सकती है, अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकती अगर वो चीज़ करते हो आप, क्योंकि आप मान लो गांव की मुखिया हो, ठीक है। तो आपके पास एक तो वैधानिक शक्ति हो गई, मतलब एक तो आपके पास लीगल वाली पावर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, आप अमीर भी हो, आप वर्ग में भी उच्च हो, ठीक है, तो ये भी एक अलग टाइप की पावर है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही इंसान के पास हो, आपके पास अथॉरिटेटिव पावर भी हो, आपके पास वैधानिक शक्ति है, ठीक है, आप अमीर भी हो, आपके पास इकोनॉमिक पावर भी है, और साथ ही साथ आप बल का प्रयोग भी कर सकते हो, है ना, आप लोगों पे दबाव डालने की भी क्षमता रखते हो। तो ऐसा इंसान जो होगा वो होगा क्या, पावरफुल। मतलब अगर आपसे गलत तरीके से आपके ऊपर दबाव डालकर आपसे कोई काम निकलवा सकता है कोई इंसान, तो मतलब वो पावरफुल है। इसमें किसी भी तरीके की लीगैलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप वैधानिकता होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शक्ति को देखते हो, यही शक्ति होती है। और वहाँ जो तंजौर विलेज था, जिसके पास ऐसी पावर है, उसका स्टेटस सोसाइटी में क्या है, ऊँचा हो जा रहा था, ठीक है। और अगर एक इंसान है जिसके पास ये सारी चीज़ें, अगर वो निम्न जाति का भी है ना, तो भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन में उसका चेंज हो रहा है, मतलब वो लोअर कास्ट का है फिर भी उसका स्थान अपर हो रहा है, सोसाइटी में ऊंचा हो रहा है। तो ये सारे कुछ चेंजेस उन्होंने देखा, ठीक है। अभी पहले पुराने समय की बात करें, अगर इसी विलेज के पुराने समय में चले जाएँ, तो जिसकी जाति ऊंची थी, है ना, जिसके जाति पंचायत थी पहले, तो जाति पंचायत कहती थी कि भाई निम्न जातियों को ये रूल्स फॉलो करने हैं, है ना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अब समय बदल गया है ना, बेते ने देखा कि अब टाइम चेंज हो गया है उसी गाँव का। अब वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग आपको पावर के सोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। अभी तक पावर का सोर्स क्या था, एक इंसान का जाति था, जो ऊंची जाति का है वो नीची जाति को किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर सकता था, उसको परेशान कर सकता था, उसके पास पावर थी, ये कोई लीगल पावर तो है नहीं, है ना। लेकिन टाइम बीता, थोड़ा ही टाइम बीता, है ना, आज तो बेते की जो स्टडी थी पहले वाली, आज तो उसकी उसका बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, सो जो आज कितना ज़्यादा वहाँ पे चेंज हो चुका होगा। लेकिन जब बेते बताते हैं, आंद्रे बेते, तो उनके टाइम पे कितना ज़्यादा चेंज था, वो कहते हैं, उन्होंने बताया। अब वो अपनी स्टडी में आगे शक्ति के अंदर वो क्या बताते हैं कि एक गाँव के अंदर अगर एक इंसान पावरफुल है तो वो क्यों पावरफुल है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके पास शक्ति है, तो उसके कुछ सोर्सेस वो बताते हैं, जैसे पंचायतें, ठीक है, नंबर वन आपका पंचायत। फिर वो बताते हैं कि भू स्वामित्व, आपके पास कितना ज़्यादा लैंड है, ठीक है, और पावर के आधार पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, पावर नहीं मतलब किसी एक चीज़ के बेस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है ना, कोई एक ही हित के लोग अगर एकजुट हो जा रहे हैं, कोई गुट बना रहे हैं, कोई राजनीतिक दल है या कोई जाति पंचायत है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शक्ति के स्रोत हैं, ठीक है। अब टाइम बीता है, पंचायती सिस्टम आ गया है, पंचायती राज व्यवस्था आ गई है,
तो वहाँ पर अब ये सारी चीज़ें तो लीगल तरीके से होंगी। तो उन्होंने देखा बेते ने कि वहाँ पर ब्राह्मण परिवारों की संख्या जो कम थी, है ना, बहुत कम थी, इसकी वजह से वहाँ पर पंचायती शक्ति में, शक्ति संरचना की अगर बात करें, अगर ठीक है, पंचायत पावर सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो वहाँ पर ब्राह्मण्स को महत्व नहीं मिल पाता था, उनको वहाँ पे पावर नहीं मिल पाती थी, ठीक है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो उस हिसाब से अपना संगठित होते थे, ठीक है, और पंचायत पर अपना अधिकार जैसे भी, है ना, वो अपना ले लेते थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी पंचायत के हिसाब से। और भू स्वामित्व में भी बहुत सारी अनेक श्रेणियों का निर्माण हो गया था, बहुत सारी कैटेगरीज हो गई थी, ठीक है, जिनके पास भू स्वामित्व होता है, और लेकिन वो जो भूमि के स्वामित्व से मतलब वंचित होते हैं, मतलब उनके पास जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो, मतलब अगर आप सिंपली कहो तो एक के पास बहुत सारी भूमि है, एक जिसके पास भूमि नहीं है, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट बेटे ये देखते हैं कि अब इतना ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है इस गांव में कि हम इसमें एक सटीक स्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी बदलाव होता जा रहा है ना। कुछ यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है ना, तो हम कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते हैं अभी। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो पावर में उन्होंने बताई हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पीजेंट सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बी आर चौहान का रूरल प्रोफाइल और उनका एक और टॉपिक है वो पढ़ करके एमसीक्यूज उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है।